प्रयागराज के दायरा अजमल शाह नामक क्षेत्र में, जो कि शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक युवक को गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि दो युवकों के बीच की आपस में सुलह समझौते की बात को लेकर यह युवक पहुंचा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने अचानक ही इस पर गोली दाग दी। इसको कुल 4 गोलियां मारी गई, जिसमें से 2 गोली इसके सर पे लगी है और इसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। पुलिस अधीक्षक नगर श्री दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्दी यह पता लगा लिया जाएगा कि यह घटना क्यों घटित हुई है और इसके पीछे क्या कारण है। दर्द में कैसे है? ठीक है। वो लेक कर दिए आप? हम लोग झूसी में थे। हमारे पत्रकार साहब सर बोल रहे, बस हमारा काम उधर का। लड़ाई क्या है पूरा मामला बताओ। शुरू से लड़ाई चल रही थी। किससे? किसकी? अरमान से फरहान से। अरमान और फरहान जी। ये कहाँ के हैं? ये एक वहाँ का है, नलवे तरफ का है। और एक किस बीच की लड़ाई चल रही थी? पता नहीं, लड़ाई तो शायद लड़की की थी, उसकी क्या, उसकी बहन की। किसकी बहन की? उसकी फरहान की बहन की। फरहान की बहन? उसने गाली बक्का था अरमान। किस? अरमान ने? क्यों? पता नहीं किसने गाली बक्का था। अच्छा, फरहान की बहन को अरमान ने गाली बक्का था जी। फिर तो फिर हम लोगों ने कहा फरहान तुम हो। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ। उसके बाद फिर हमने गए सुलह करने। सुलह करने गया था, फिर सामने डायरेक्ट वो बंदूक लिया था, वो लिया था, उन्होंने लोड करके मार दिया था। कई गोली मारा है? किसने गोली मारा? वही अरमान। गोली कट मारा? अरमान कई गोली चलाया था। वो चलाया था, दो उसके ऊपर चलाया था, दो हमारे ऊपर भी चलाया। रहने वाला तकिया का? अरमान तकिया का रहने वाला। क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम है? हां, सोनू नाम है। अच्छा, मतलब जहां गोली अरमान ने चलाई थी। कितना देर था सोनू? कितना देर? उसने गाली किसने चलाई थी? गोली अरमान ने चलाया था। किस का मैटर क्या था, किसने चलाया था? वो हमको धमकी दे रहा था, कह रहा था कफन की तैयारी करे, हम बहुत तेज आ रहे हैं, हमका मानना है, मार लेना। तो किस लड़ाई, किस बात की थी तुम? लड़ाई कुछ फोटो रख के था, कह रहा था तुम्हारी बहन की फोटो हमका दिखाओ, कौन सी बहन है दिखाओ ना फोटो जी, हमका फोटो दिखाओ, कह रहा था वो समझ में आएगा, हमका अच्छा समझ में आएगा। तो आबिद और ये नकाश कोने गए, हमको भी फोन करे, हम पहुँचे, फिर हमको उन लोग भेज दिए। बस जैसे ही आए ये धौते भाई आया, कह रहा था आबिद को गोली लग गई। आबिद तुम्हारा दोस्त है फरहान जी? शाहगंज थाना क्षेत्र के याकूबगंज मोहल्ले में एक आबिद नाम के लड़के की, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल है, वहाँ पे अरमान नाम के लड़के ने गोली मारी है। अभी इंजर्ड जो है काफ़ी सीरियस है, लेकर के सारण में एडमिट किया गया, जहाँ चिकित्सा और उपलब्ध है वो, और सर में 2 गोलियाँ लगी हैं, इसलिए काफ़ी गंभीर है वहाँ। अभी पुलिस जो है अरमान के तलाश में है, जैसे मिलता है चीज़ें साफ होती है कि वजह क्या थी घटना के पीछे, और परिवारजनों से भी विस्तृत बातचीत की जाएगी तो पता चलेगा। सर बताया जा रहा है कि यहाँ पे और भी एक गोली चली है और एक दूसरे लड़के पे भी गोली चलाई गई है, लेकिन वो बच गया है। ऐसी साथ में जो एक लड़का सोनू था, उसका बताना है कि उस पर भी फायरिंग की गई थी, लेकिन जो लड़का सीरियस है, इंजर्ड, जिसके सर में 2 गोली लगी हुई है, काफ़ी गंभीर है।